तो गाइस हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कल की 2898 एडी मूवी की प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, जो कि 890 करोड़ में डील होने जा रहा है। एक्चुअली मैं ये मेकर्स का डिमांड है, आगे चल करके कितना कम ज्यादा होने वाला है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मेकर्स का डिमांड है 890 करोड़। तो कहाँ पे क्या है, कितना है, वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। जैसे कि साउथ वर्सन, मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन चार वर्सन की जो OTT राइट्स है, मेकर्स का डिमांड है 200 करोड़। लेकिन एक बच उठता है, एक रूमर्स के टाइप का एक हमें अपडेट देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले से बता दिया हूँ कि अमेजन प्राइम वीडियो जो है 150 करोड़ में साउथ वर्सन OTT राइट्स जो है कल की 2898 मूवी का वो खरीद चुका है बोल करके। वो सच है, झूठ है, क्या है बाद में पता चलेगा, लेकिन मेकर्स की डिमांड जो है 200 करोड़ का वो सच है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अमेजन प्राइम वीडियो वाला। तो एक काम करते हैं, अमेजन प्राइम वीडियो जो 150 करोड़ में खरीदा है बोल करके जो बज उठ रही है, जो बात पता चल रही है, उसको हम भूल जाते हैं, पर बस मेकर्स की डिमांड्स के हिसाब से चलते हैं। तो साउथ वर्सन OTT राइट्स का जो मेकर्स का डिमांड है वो 200 करोड़ है। ओके, और हिंदी वर्सन OTT राइट्स जो है, कल की 2898 AD मूवी का 175 करोड़ में नेटफ्लिक्स ऑलरेडी सोल्ड कर चुका है, उसका मतलब हो चुका है खरीदारी। ठीक है ना, मतलब नेटफ्लिक्स में हमें हिंदी वर्सन OTT मतलब हिंदी वर्सन में कल की 2898 AD मूवी को देखने को मिल जाएगा आफ्टर रिलीज। ओके, और इसी वजह से वो मतलब पहले से सांझा वगैरह वो ये लोग कर चुके हैं, जो पिक्चर वगैरह पहले से वायरल हो चुका था आप लोग देखिए। हिंदी थ्रेटिकल राइट्स के बारे में पता चली है, हिंदी थ्रेटिकल राइट्स जो है 135 करोड़, तेलुगु थ्रेटिकल राइट्स जो है 200 करोड़, और बाकी जो रह गया, बाकी जो तीन लैंग्वेज कन्नड़ा और मलयालम और तमिल, इन तीनों का मिल करके 55 करोड़, और सैटेलाइट ऑडियो इन सारी चीज़ों की राइट्स जो है वो 125 करोड़ में डील होने जा रही है, या फिर थोड़ा बहुत कम हो सकता है, जो कि मेकर्स का डिमांड है ये। तो इसी हिसाब से मेकर्स की डिमांड जो है 890 करोड़ होता है मेरे भाई। ओके, 890 करोड़, जो कि बहुत ही बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी प्री रिलीज बिजनेस अभी यहाँ पे कल की 2898 AD मूवी के साथ सेट किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर OTT राइट्स की कंपैरिजन करें, तो कल की 2898 AD मूवी जो है हिंदी वर्सन OTT राइट्स जो है वहां पे तो नंबर वन हो चुका है 175 करोड़ में, अभी तक किसी भी फिल्म का ऐसा नहीं हुआ था। कैसे कह सकते हैं यार, सलार का तो पता नहीं है ना, सलार का पता नहीं है, क्योंकि सलार का बस हमें साउथ वर्सन OTT राइट्स के बारे में पता है, जो कि नेटफ्लिक्स के पास गया है 162 करोड़ में शायद। ओके, और हिंदी का कितने में खरीदा था डिज्नी प्लस स्टार, उसका अपडेट अभी तक हमारे पास नहीं आया है। बोला तो जाता है कि साउथ वर्सन से डबल है बोल करके, लेकिन इतना ज़्यादा 320 करोड़ समथिंग हो जाएगा। ओके, 320-321 करोड़ हो जाएगा, इतने में डिज्नी प्लस स्टार सलार के हिंदी वर्सन को खरीदा है, नहीं बिलीव थोड़ा नहीं होता है, थोड़ा कम हो सकता है, क्या हो पता नहीं, मतलब अपडेट तो नहीं है। तो अभी के हिसाब से हमारे पास जो नंबर है, जो अमाउंट है, उसी हिसाब से अगर हम देखें तो 175 करोड़ जो है, सलार को छोड़ देते हैं, यहाँ पे सलार का पता नहीं है हिंदी वर्सन का, तो सलार को छोड़ देते हैं, तो बाकी सारी फिल्मों के हिसाब से कल की 2898 AD मूवी का हिंदी वर्सन OTT राइट्स के हिसाब से कल की 2898 AD मूवी जो नंबर वन पे है। ओके, तो बाकी सारी फिल्मों की अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, तो RRR का 350 करोड़ में OTT राइट्स का डील हुआ था, और KGF चैप्टर 2 का 320 करोड़ में OTT राइट्स का डील हुआ था। तो इसी हिसाब से अगर देखते हो कल की 2898 AD मूवी नंबर वन पे जा रही है, जो कि इसका 375 करोड़ मेकर्स के डिमांड के हिसाब से हो रहा है, तो ये 350 करोड़ से ज्यादा तो आराम से हो जाएगा, जो कि 175 करोड़ हिंदी का ऑलरेडी हो चुका है, और 200 करोड़ जो है मतलब साउथ का जो है 200 करोड़ जो है डिमांड है मेकर्स का, तो वहां पे कम होगा तो भी कितना कम हो सकता है, 70-80 तक जा सकता है, 170-180 हो सकता है। तो जैसे करके भी 350 करोड़ जो है RRR का, उसको ये कल की 2898 AD मूवी जो है वो तोड़ रही है मेरे भाई। इस यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक्चुअली कहनी भी चाहिए, क्योंकि सलार मूवी के दौरान ही हमें पता चली कि डार्लिंग प्रभास के पीछे कितने लोग पड़े हैं, उनके हेटर्स कितने लोग हैं एक्चुअली में। ओके, तो गाइस हम जो ये प्री रिलीज बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, ये डिमांड की बात कर रहे हैं भाई, ये प्रभास की ही फिल्म की है। ओके, प्रभास की ही फिल्म की है, जो कि हमेशा उनकी नेगेटिविटी चलती है, बहुत लोग पीछे पड़े हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद वो अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, खुद अपनी रिकॉर्ड को वो तोड़ते हैं, अपने आप के साथ ही उनका रेस हमेशा रहता है। अभी देखो सलार के साथ, सलार की जो OTT राइट्स वगैरह, जो प्री रिलीज बिजनेस वगैरह जो हुआ है, सब कुछ सलार मूवी के साथ हुआ है। ओके, तो वही सलार मूवी के साथ अभी कल की 2898 AD मूवी का लड़ाई है, 162 करोड़। ओके, 162 करोड़ में सिर्फ साउथ लैंग्वेज का OTT राइट्स का जो डील हुआ है नेटफ्लिक्स के साथ, अभी
उसके रेस में है कल्कि 2098 एडी मूवी, जो कि मेकर्स का डिमांड है 200 करोड़, जो कि डेफिनेटली 162 करोड़ को वो तोड़ेगा मेरे भाई। 200 करोड़ अगर इन लोगों का डिमांड है तो कितना होगा, 170 करोड़ या फिर 180 करोड़, तो डेफिनेटली होने वाला है। तो सलार के रिकॉर्ड को वो तोड़ने जा रहा है। और हिंदी का डिजनी प्लस स्टार में कितना हुआ था पता नहीं, बोला तो जाता है कि बहुत ज्यादा में हुआ था। ओके, जहां पे कल्कि 2098 एडी मूवी का 175 करोड़ में ऑलरेडी हो चुका है नेटफ्लिक्स में, मतलब क्या ही भाई, ऐसे ही नहीं बोला जाता उनको बॉक्स ऑफिस का किंग यार। ओके, यही है उनकी पावर एक्चुअली। और आप देखे हैं उनकी डे वन कलेक्शन का किस तरह से नंबर आती है, और कल्कि 2098 एडी मूवी का डे वन कलेक्शन कितना हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि सलार मूवी क्लैश में फंस करके भी, स्क्रीन ना मिल करके भी, हिंदी में ना के बराबर कलेक्शन करके भी अगर 175 करोड़ तक का कलेक्शन दे सकती है, तो कल्कि 2098 एडी मूवी अगर सोलो रिलीज हो जाती है और वर्ल्ड पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज करते हैं ये लोग, तो क्या होगा। सारा का सारा सोर्स अगर सलार मूवी कल्कि 2098 एडी मूवी को मिलता है, मतलब डार्लिंग प्रभास की फिल्म को सारा का सारा सोर्स मिलते हैं है? और फिल्म लोगों को कनेक्ट करती है, और आदि पुरुष की तरह माहौल पहले से फिल्म के प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का डाउट रहना ये सारा चीज़ ना होता है, सब कुछ अगर सही तरीके से जाता है, तो आज की डेट में बाहुबली 2 की बात हम करते हैं जो कि 2017 की बात है, आज की डेट में अभी जो है जो टिकट प्राइस इतनी ज़्यादा है ये है, ओके 350 रुपये टिकट प्राइस अभी कम से कम बड़ी बड़ी फिल्मों का। तो आज की डेट में डार्लिंग प्रभास के साथ अगर एक सोलो रिलीज, एक ऐसी फिल्म जिसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो, लोगों का उम्मीद बहुत ज़्यादा हो, और आउटपुट वगैरह प्रमोशनल मटेरियल वगैरह ये सारा चीज़ लोगों को पसंद आया हो, तो आज की डेट में डार्लिंग प्रभास की फिल्म अगर ऐसे रिलीज होता है, बाकी सारी फिल्में जैसे रिलीज हुई थी हुई हैं एक्चुअली, जवान, पठान, के चैप्टर टू, RRR, इन सारी फिल्मों की तरह अगर रिलीज होती है आज की डेट में प्रभास की, तो डे वन कलेक्शन कितना होगा जरा सोचो। ओके, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, प्रमोशन बहुत ज़्यादा जबरदस्त है, फिल्म लोगों को पसंद आई है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और सोलो रिलीज हुआ है, 100% सोर्स जो है डार्लिंग प्रभास की फिल्म को मिला है, तो डे वन कलेक्शन कितना होगा एक कमेंट जरूर करिएगा इसके ऊपर। भाई प्री रिलीज बिजनेस तो इसका बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, बहुत ही ह्यूज नंबर, बहुत बहुत बड़ी कीमत के साथ प्री रिलीज बिजनेस हो रही है। हम यहाँ पे उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि कल्कि 2098 एडी मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी सबसे नंबर वन निकले, और अब तक की जितने सारे रिकॉर्ड है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वो सारा तोड़ दे, इवन बाहुबली 2 का भी तोड़ दे, ये दिली ख्वाहिश है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।